Hello students, in the last few videos we have studied about the basics of continuous time signal and basics of discrete time signals. Now in this video I will start with the classification of signal. Okay, classification of signals mein hum log discrete time ke base par bhi classification ka analysis karenge aur continuous time signal ke base par bhi classification ka analysis hum log study karenge. Okay, to classification of signals mein आज की वीडियो में मैं पहले कुछ थ्योरिकल क्लासिफिकेशन ले रहा हूं जो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है जिसमें से एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टडी करेंगे. ठीक है, जैसे कि इवन एंड ऑड सिग्नल, ओके, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल एंड सो ऑन. ओके, तो आज की क्लास में मैं बेसिक क्लासिफिकेशन ले रहा हूं जो प्योर थ्योरी बेस्ड है. ओके, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका रियल एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल. ओके, तो रियल सिग्नल और कॉम्प्लेक्स सिग्नल ऑलरेडी हम लोग फैमिलियर हैं कि क्या होता है रियल सिग्नल, क्या होता है कॉम्प्लेक्स सिग्नल, हम लोग मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ते ही हैं. ठीक है ना, लेकिन मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल दे देता हूं. सपोज करिए अगर आपका एक्स टी जो है वो कुछ इस तरीके से है 5t, तो वो आपका रियल है. अगर सपोज करिए मैं जेड टी एक सिग्नल ले रहा हूं जो कि है 5t प्लस जे 6t, तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है. ठीक है ना, मतलब जब भी किसी रियल पार्ट में नॉन एग्जिस्टिंग, फिजिकली नॉन एग्जिस्टिंग इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सिग्नल कहते हैं. ठीक है ना, ओके, तो ये बेसिक्स आपको ऑलरेडी पता होता है पहले से. नाउ यहां पर कुछ और बेसिक्स मैं ले रहा हूं कॉम्प्लेक्स के. जैसे सपोज करिए मेरा एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है जेड इज इक्वल टू ए प्लस जे बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मुझे उस पर ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करने हैं लाइक जेड कॉन्जुगेट. हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सिग्नल का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, तो आपको क्या करना होता है, जे की जगह माइनस जे. ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं मॉड ऑफ जेड, तो मॉड ऑफ जेड क्या होता है आपका, अंडर रूट इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर. ठीक है, तो a आपका रियल पार्ट था, b आपका इमेजिनरी पार्ट था, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि आप स्क्वायर करते हो इसलिए चाहे रियल पार्ट माइनस में हो चाहे इमेजिनरी पार्ट माइनस में हो आपका आंसर ऑलवेज यही होगा. ठीक है, और जैसे कुछ ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए लाइक अगर मैं बोलूं इसका एंगल निकालना है तो एंगल क्या होता है, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट. ओके, जैसे मैं बोलूं आपको z इंटू जेड कॉन्जुगेट करना है, मतलब a प्लस जे बी इंटू ए माइनस जे बी आपको परफॉर्म करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस जे बी का होल स्क्वायर. हम सबको पता है जे स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, और अगर आप ध्यान से लास्ट स्लाइड में देखें तो मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला था आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट हो जाता है आपका मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर ऑलवेज. ओके, तो ये कुछ कंसेप्ट हैं कॉम्प्लेक्स सिग्नल से रिलेटेड जो हमें यहां पर यूजफुल होंगे. ओके, क्लियर है अच्छे से, तो ये होता है आपका रियल एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल, द फर्स्ट सिग्नल, फर्स्ट क्लासिफिकेशन. ओके, नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन मैं यहां पर ले रहा हूं आपके लिए, रैंडम एंड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल. ओके, तो रैंडम सिग्नल क्या होता है एंड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्या होता है ये हम लोग यहां पर स्टडी कर लेते हैं, रैंडम सिग्नल एंड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल. तो रैंडम सिग्नल मींस क्या होता है आपका, जिसके लिए आप बोल सकते हैं कोई वेल डिफाइंड मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होते. ठीक है ना, यहां पर वेल डिफाइंड मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होंगे, फ्यूचर वैल्यू सिर्फ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे रह के फ्यूचर वैल्यू को सिर्फ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि फ्यूचर वैल्यू ये होगी आपकी. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो फ्यूचर वैल्यू आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्ट. क्लियर है, अगर मैं यहां पर बोलूं मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में तो मैथमेटिकल इक्वेशन इसके लिए डिफाइंड नहीं होते हैं. ओके, अगर मैं यहां पर इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है नॉइस. ठीक है ना, जैसे कि अभी सपोज करिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, आपको लेक्चर समझा रहा हूं रैंडम एंड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल का. ठीक है, और अभी अगर
इस वीडियो में कोई आवाज आने लग जाए, ठीक है ना, कोई एक्स्ट्रा वॉइस आने लग जाए मेरी वॉइस के अलावा, तो वो आपके लिए नॉइज है। वो तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन वो जो नॉइज है क्या वो आपको पता था कि इसी टाइम पे ही नॉइज आएगी? जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता था कि एग्जैक्टली 5 मिनट 20 सेकंड के बाद ही नॉइज आने वाली है? नहीं, ठीक है ना। हो सकता है अगर पहले कभी नॉइज आई हो वीडियो में तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मे बी इस वीडियो में भी नॉइज आएगी, लेकिन एग्जैक्टली किस टाइम पर आएगी वो आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। या प्रेडिक्शन ही है, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किस टाइम पर आएगी, ये आप कह सकते हैं इसके बारे में, ओके। और सेम अगर मैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के बारे में बताऊं, तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के बारे में फ्यूचर वैल्यू जो है आपकी वो आप एग्जैक्ट बता सकते हैं, ओके। एग्जैक्टली आप बता पाएंगे कि क्या है आपकी फ्यूचर वैल्यू, क्लियर है अच्छे से। और यहां पर जो मैथमेटिकल इक्वेशन होते हैं, वेल डिफाइंड मैथमेटिकल इक्वेशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स में, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर जैसे मैं अगर आपको कोई एग्जांपल दूं, ठीक है ना, जैसे सपोज करिए मैंने आपको कहा एक्स टी इज इक्वल टू 5t+4 है, ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड मैथमेटिकल इक्वेशन है। यहां पर मैं अगर आपको बोलूं कि आप x 100 निकालिए, x 1000 निकालिए, यू कैन डिटरमाइन एनी वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है ना। तो जब भी आपके वेल डिफाइंड मैथमेटिकल इक्वेशन हो, या आप रियल लाइफ में भी सोच सकते हैं, रियल लाइफ में जिस चीज के लिए आप श्योरिटी से बोलें कि हाँ भाई इस टाइम पे ये होगा, ठीक है ना, कि रात को 8:30 पर टीवी पे ये शो आएगा, ये आप श्योरिटी से बोल सकते हैं, आप प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं इस पॉइंट को ना, क्लियर है अच्छे से। तो जहां पर आप श्योर हो, जहां पर आप एग्जैक्टली बता सके कि फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाली है प्रेजेंट टाइम पर रह के, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक। और जहां पर आप सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, दैट इज कॉल्ड रैंडम, ओके। नाउ थर्ड सिग्नल जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज योर कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल सिग्नल, ओके। तो कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल सिग्नल्स आपके क्या होते हैं? तो अगर मैं यहां पर बात करूं कॉजल की, तो कॉजल मीन्स होता है आपका जब आपका कोई सिग्नल एक्स टी इक्वल टू जीरो हो फॉर टी लेस देन जीरो, दैट मीन्स कुछ इस तरीके का आपका सिग्नल बना हो। सपोज करिए मेरा सिग्नल कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सिग्नल जो है एक्स टी आपका, ये टी लेस देन जीरो पर प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ टी की पॉजिटिव वैल्यू के लिए प्रेजेंट है, तो ये सिग्नल आपका कहलाएगा कॉजल सिग्नल, ठीक है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं कि एनी सिग्नल मल्टीप्लाइड विथ यू टी, ठीक है ना, एनी सिग्नल मल्टीप्लाइड विथ यू टी इज ऑलवेज कॉजल, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि यूटी या यूएन का एप्लीकेशन क्या होता है। जब भी आप किसी सिग्नल को यूटी या यूएन से मल्टीप्लाई करते हैं या स्टेप से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे आप कंटिन्यूअस का केस ले लें चाहे आप डिस्क्रीट का केस ले लें, तो सिग्नल जो है हमेशा पॉजिटिव साइडेड बन जाता है, नेगेटिव पार्ट उसका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो सिग्नल क्या हो जाएगा आपका, कॉजल, ठीक है। तो ये जो सारी डेफिनेशन मैं आपको कंटिन्यूअस के लिए बता रहा हूं, सारी की सारी आपकी डिस्क्रीट के लिए भी वैलिड है, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं आपसे एंटी कॉजल की, तो एंटी कॉजल की क्या मीनिंग होती है आपकी, एक्स टी इज इक्वल टू जीरो फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स जो आपका एक्स टी है वो टी की सिर्फ नेगेटिव वैल्यू पर डिफाइंड होगा, पॉजिटिव वैल्यू पर डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर आपका एक्स टी सिर्फ लेफ्ट साइडेड सिग्नल हो, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो, तो वो कहलाता है आपका एंटी कॉजल सिग्नल, एक्स टी इज इक्वल टू जीरो फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव साइड में आपका एक्स टी क्या है, जीरो है। नाउ नेक्स्ट इज नॉन कॉजल सिग्नल। नॉन कॉजल मीन्स जब सिग्नल आपका पॉजिटिव साइड भी डिफाइंड हो और नेगेटिव साइड भी डिफाइंड हो, देन सिग्नल इज कॉल्ड नॉन कॉजल, ओके। ना तो वो पॉजिटिव साइड के लिए जीरो है ना ही वो नेगेटिव साइड के लिए जीरो है, देन सिग्नल इज कॉल्ड नॉन कॉजल। तो यहां पर आप सिंपलिसिटी के लिए बोल सकते हैं कि कॉजल सिग्नल जो है वो ऑलवेज क्या होंगे आपके, राइट साइडेड सिग्नल। तो कॉजल सिग्नल को हम लोग राइट साइडेड सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। सिमिलरली एंटी कॉजल सिग्नल को आप बोल सकते हैं लेफ्ट साइडेड सिग्नल।
So anti-causal signal are also known as left-sided signal. And non-causal ko aap bol sakte hain double-sided signal. That means non-causal signal are also known as double-sided signal. Okay? Now, next jo hai aapka fourth classification ya fourth signal, wo hai aapka analog and digital signal. Okay? So analog and digital signal mein hame kya study karna hai? Dekhiye, humne first class mein, first video mein study kiya tha ki aapka jo time ke wise agar aap classification karte hain to aapka continuous time and discrete time signal hota hai. Theek hai na? Agar aap time wise dekhe yahan par to aapne do signals dekhe the. Ek tha continuous time aur ek tha aapka discrete time. Aur maine kaha tha pura hamara syllabus hi in do signals mein, in do types ke signal mein divided hai. Lekin agar aap amplitude wise dekhen to amplitude wise hamara signal hota hai analog air digital. Okay, to amplitude wise agar aap classification karenge to analog signal ya digital signal aap already jante hain. Digital kya hota hai? Only two types of values are present, 0 or 1. Okay, analog means any value will be present. Okay, to agar aap time wise classify karenge signals ko to continuous time signal or discrete time signal. Lekin agar aap amplitude wise classification karenge signals ko to analog signal and digital signal. Okay, clear hai acche se. Now next classification jo hume padhna hai ya next type ka signal jo hume study karna hai wo hume karna hai absolutely integrable signal. Okay, to absolutely integrable signal aapke kya hote hain ya kaun se signal aapke absolutely integrable nahi hote hain, inka hum analysis ab karte hain. Theek hai, to dhyan se dekhiye aap. Agar किसी भी सिग्नल xt के लिए, ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड 0 हो, for t tends to plus infinity and t tends to minus infinity, ओके, okay? t tends to plus infinity पर भी एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0, t tends to minus infinity पर भी एम्पलीट्यूड क्या हो, 0 हो, तो इस तरह के सिग्नल आपके कहलाते हैं absolutely integrable signal, ठीक है? जैसे आप एग्जांपल देखिए, सपोज करिए मैं कुछ इस तरीके का सिग्नल आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो ये सिग्नल है आपका xt, वो आपका t tends to infinity पर क्या हो रहा है, 0 decreasing है ना आपका, और t tends to minus infinity पर negative side तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो this signal is absolutely integrable. ओके, सपोज करिए मैं कुछ ऐसा सिग्नल बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है, मेरा सिग्नल जो है वो -3 से लेकर +3 तक प्रेजेंट है. ओके, तो यहां पर ये सिग्नल क्या एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा, तो आप देख सकते हैं अगर आप t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर देखें तो एम्पलीट्यूड क्या है, 0, t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर भी एम्पलीट्यूड क्या है आपका, 0, तो सिग्नल आपका क्या होगा, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा. ओके, क्लियर है अच्छे से. जैसे सपोज करिए आप कोई सिग्नल लेते हैं e की पावर -80 ut, ठीक है, तो आप t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर देखिए e की पावर -infinity क्या होता है आपका, 0. ओके, अब अगर आप t टेंड्स टू -infinity पर देखें तो देखिए -infinity पर आप चेक नहीं करेंगे क्योंकि ut से मल्टीप्लाइड है, और अगर ut से मल्टीप्लाइड है दैट मींस नेगेटिव साइड ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, 0. तो आप देख सकते हैं प्लस इंफिनिटी पर भी 0 है एंड माइनस इंफिनिटी पर भी सिग्नल आपका 0 है. दैट मींस ये होगा आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल. तो आई होप आपको क्लियर होगा क्या होता है आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल. नाउ नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहां पर बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सिग्नल. ओके, तो कौन से सिग्नल आपके बाउंडेड होंगे, कौन से आपके बाउंडेड नहीं होंगे, इसके लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप देखिए अगर जो आपका सिग्नल xt है उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, आपका है कोई फाइनाइट वैल्यू. ओके, फॉर t टेंड्स टू इंफिनिटी और t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी और t टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू हो जाए, चाहे वो t tends to infinity पर हो जाए, चाहे t tends to minus infinity पर हो जाए, चाहे t tends to plus minus infinity पर हो जाए, लेकिन
यहां पर आपकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि टाइम की किसी वैल्यू पर भी, ओके मैं यहां पर कंडीशन शो कर देता हूं, टाइम की किसी वैल्यू पर भी, ठीक है ना, चाहे आप प्लस इंफिनिटी की बात करें और माइनस इंफिनिटी की बात करें, ठीक है, कहीं पर भी आपका जो एम्पलीट्यूड है वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए फाइनाइट का मतलब जीरो भी हो सकता है। अगर एक में फाइनाइट है और एक में जीरो है एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स आप उस केस पे भी उसे बाउंडेड बोलेंगे, क्योंकि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होने के लिए टी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एंड टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी दोनों पे एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। क्लियर है अच्छे से, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक पे फाइनाइट है और किसी एक पे जीरो है तो इट इज बाउंडेड, दोनों पे फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब मैं फाइनाइट यहां पर लेके चल रहा हूं, दैट मींस आप समझ लीजिए जीरो नहीं है, मतलब किसी एक पर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है, बट इन्फिनिटी नहीं है। सपोज करिए वन है, टू है, थ्री है एम्पलीट्यूड आपका, और एक पर जीरो है, ठीक है ना। टी टेंस टू इन्फिनिटी पर आपका थ्री है और टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर जीरो है, तो उस केस में आपका सिग्नल हो जाएगा बाउंडेड, ना कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। अब अगर मैं बात करूं टी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी और टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी दोनों पर एम्पलीट्यूड आपका कोई फाइनाइट वैल्यू, दैट मीन्स या तो 10 है और एक में आपका मान लीजिए 3 है, उस केस पे भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एक पर भी इन्फिनिटी हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये सिग्नल हो जाएगा अनबाउंडेड। ओके क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर देखिए कुछ एग्जाम्पल, आप सपोज करिए मैं एक सिग्नल ले रहा हूं xt, ठीक है, xt वर्सेस t, ये आपका सिग्नल है। तो देख लीजिए यहां पर t टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या है, 1 है, ठीक है, t टेंस टू इन्फिनिटी पर है 1, और t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर क्या है आपका, नेगेटिव साइड प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका, बाउंडेड। अब अगर मैं ऐसा कोई सिग्नल बनाऊं आपके लिए, ठीक है, ये आपका सिग्नल है, ठीक है, तो ये देखिए आप t टेंस टू इन्फिनिटी पर भी कितना है आपका, 2 है, और t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर भी कितना है, 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, बाउंडेड हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर मैं, मान लीजिए मैं कोई ऐसा सिग्नल आपके लिए बनाऊं, इस तरीके का सिग्नल, ठीक है, तो अब आप देखिए t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर तो आपका 2 है, बट t टेंस टू इन्फिनिटी पर ये किस तरफ जा रहा है आपका, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, आप देख लीजिए इसे, ओके स्लोपी है ना, और इंक्रीजिंग है आपका, इंक्रीजिंग स्लोप है, तो किस तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, दैट मीन्स इट इज अनबाउंडेड। ओके क्लियर है अच्छे से। एक और पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा कि बाउंडेड की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि टी टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर दोनों पर एम्पलीट्यूड या किसी एक पर कोई फाइनाइट वैल्यू हो, तो फाइनाइट आपका जीरो भी होता है, दैट मीन्स अगर कोई सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो वो हर हाल में बाउंडेड भी होगा, ये कंक्लूजन आपको दिमाग में रखना है। बट अगर कोई बाउंडेड है तो कोई जरूरी नहीं कि वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो, क्यों, क्योंकि बाउंडेड सिग्नल में आपका एम्पलीट्यूड जीरो के अलावा भी कोई और फाइनाइट वैल्यू हो सकती है। क्लियर है अच्छे से। तो एवरी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल इज बाउंडेड सिग्नल, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक थ्योरिकल क्लासिफिकेशन थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, स्पेशली अगर मैं बात करूं कॉजल नॉन कॉजल सिग्नल्स, बाउंडेड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल्स, ये आपके आगे के सिलेबस में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। ओके तो इनका नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं मुझसे, कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं या तो फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो से अब स्टार्ट करूंगा इवन एंड ऑड सिग्नल्स, ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके थैंक यू।